अगस्त मुनि। अब ये अगस्त मुनि कौन थे ये भी सुनो। और ये 100 रुपए शीलेंद्र दूधिया रुद्रपुर से, 500 रुपए शिवपाल दूधिया रुद्रपुर से, इनकी तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज ध्यान रखना, अगस्त मुनि क्यों पी रहे थे? क्योंकि त्रेता युग में राम ने इन्हें वरदान दिया था अगस्त मुनि को। क्या वरदान दिया था सुनो। एक समय की बात, त्रेता युग में मैया सीता जो थी वो नित्य प्रतिदिन संतों को भोजन कराया करती थी। जब संतों को भोजन कराया करती थी तो दादा ध्यान रखना, संत आते, थोड़ा भोजन करते चले जाते। सीता ने राम से कहा, प्रभु अब की बार आप ऐसो संत लेके आओ जो खूब भोजन करे। राम बोले ठीक है। अब राम ने अगस्त मुनि को बुलाया और कहा, प्रभु आप इतना भोजन करना, इतना भोजन करना कि सीता बनाते बनाते थक जाए, लेकिन आप खाते खाते ना थकियो। बोले ठीक। अब महाराज सीता ने आसन लगाए दो, अगस्त मुनि को बैठा लो। दूसरे दिन बहुत सोई और जैसे ही अगस्त मुनि को बैठा ला, मैया सीता भोजन बनाए के ले आई, अगस्त मुनि के सामने भोजन की थाली रख दी। अब मैया सीता बोली, प्रभु भोजन कीजिए, तो अगस्त मुनि भोजन करने लगे। अब अगस्त मुनि ने महाराज पहले 2 पूड़ी खाई, फिर 4 खाई, फिर ऐसे 6 खाई। अब सीता परोसती जा रही, अगस्त मुनि कह रहे और ले आओ। अब सीता और ले आ रही, बोले और ले आओ। यानी अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे, सीता बनाती जा रही, अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे। क्यों? क्योंकि राम ने आदेश कर दिया था कि सीता जब तक बनाते बनाते थक ना जाए तब तक तुम खाते रहियो। अगस्त मुनि बोले ठीक है। अब महाराज सीता बनाती रही, अगस्त मुनि खाते रहे। अब सीता ने और देवियों को बुला लिया, उन्होंने भी भोजन बनवाए, लेकिन अगस्त मुनि खा रहे हैं महाराज, थक नहीं रहे। सीता थकने लगी भोजन बनाते बनाते, लेकिन अगस्त मुनि खाते खाते नहीं थक रहे। अब तो जितना भंडार था महाराज सो सब खत्म होएगा। सीता कहने लगी, हमने राम जी से कही थी कि संत ऐसो ले आइयो जो 2-4 भोजन, 2-4 पूड़ी खाए ले, दो की जगह 10 खाए ले, लेकिन जो तो महाराज ऐसो महात्मा लेके आए जो तो खाता ही खाता खाई जाए रहो, जो तो रुक ही नहीं रहो, रुकवे को नाम ही नहीं रह रहो जो तो। अब महाराज सीता बनाती बनाती भोजन थकी है। सो सीता राम के पास पहुंची, प्रभु अब हमारे बस्ते बाहर है, जब महात्मा को रोको, क्योंकि हम ना बनाए पाई और ना जब महात्मा को खवाए पाई, तासो इसको रोक दो। तो महाराज 18वें दिन अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद किया जब राम ने आदेश दिया। तब ये फरमाइशें और परेशान करती हैं, फिर कभी हम कथा पूरी कर पाए, कभी हम फरमाइशें करें। एक तो तुम जो फर्रा और लेके चले या तो पूरा पूरा और ये 20 रुपए ओमपाल यादव रुद्रपुर से, 200, 1 रुपए बबलू आमला से, 20 रुपए राजेश रुद्रपुर से, 100 रुपए रंजीत मजारा, 50 रुपए राजा राम मजारा, 50 रुपए सुवनेर से यादव रुद्रपुर से, 10 रुपए मोहित यादव, 10 रुपए प्रवेश यादव, 25 रुपए रतनपाल यादव, 10 रुपए मोहित यादव, 10 रुपए सोहित यादव, 50 रुपए मटरू यादव, 25 रुपए आशीष यादव, 25 रुपए अंश यादव, 10 रुपए अभिषेक यादव, 10 रुपए विजेंद्र यादव, 20 रुपए भूपेंद्र यादव, 50 रुपए राजेश यादव बदायूं से, और 10 रुपए बालिस्टर मौर्य रुद्रपुर से, 20 रुपए सत्येंद्र यादव, 50 रुपए सतीश दूधिया, 20 रुपए योगेंद्र यादव, 20 रुपए पूरन यादव, 51 रुपए राम रतन कश्यप नौगवां से, और 100 रुपए अजय पाल यादव रुद्रपुर से, 50 रुपए लाला राम नंगला से, और 50 रुपए छोटे लाल, 50 रुपए संतोष मिश्रा, और 50 रुपए उदयवीर यादव रुद्रपुर से, 50 रुपए साहिब सिंह यादव रुद्रपुर से, 20 रुपए राम लखन यादव, 25 रुपए रामेंद्र यादव, 25 रुपए सुनील यादव ठेकेदार, 20 रुपए बहोरन यादव, 20 रुपए होते यादव, 20 रुपए करण अर्जुन मोर, 50 रुपए रंजीत यादव दूधिया रुद्रपुर से, 50 रुपए सुवनेश यादव गिनौरा दातागंज, 20 रुपए दौलत यादव रुद्रपुर से, 50 रुपए केपी नौरंग से, 50 रुपए ब्रजेश कमेटी अध्यक्ष, 20 रुपए अजीत पंडित जी रुद्रपुर से, 50 रुपए योगेश शर्मा मजारा से, 10 रुपए लालू यादव रुद्रपुर से, 10 रुपए लुक्का यादव रुद्रपुर से।
और सौ रुपए ठाकुर अमित प्रताप फूल मंडी देशरा, सौ रुपए भूरे सिंह फूल मंडी और सौ रुपए अनुज मौर्य फूल मंडी, इनकी तरफ से आए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सौ रुपए सीलन दूधिया, 500 रुपए शिवपाल दूधिया, इनकी फरमाइश थी। और ये 10 रुपए शिवानी, 10 रुपए रचना, 10 रुपए रूपा, 10 रुपए काजल, 10 रुपए श्रीवती, 10 रुपए मोनी, इनकी तरफ से आए हैं। और इनकी फरमाइश थी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए जल पिलाइए। तब राम ने अगस्त मुनि को जल पिलाया तो परीक्षित महाराज जल भी खत्म हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। तब त्रेता युग में राम ने वरदान दिया कि हे महाराज, अगर त्रेता युग में तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो कोई बात नहीं, जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा और जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तब आप सारा जल पी जाना। तो महाराज ध्यान रखना, इंद्र जितनी भी वर्षा जल की कर रहा था वो सारा जल अगस्त मुनि पी रहे थे, इसीलिए वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। लगातार महाराज 7 दिन तक वर्षा होती रही। आज मेघ बरसते बरसते थक गए, लेकिन वृंदावन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आज मेघ इंद्र के पास में पहुंचे, इंद्र के पास में पहुंच करके जवाब दिया, प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत घनघोर बारिश की, लेकिन वृंदावन पर मैंने देखा कि वहां तो धूल ही धूल उड़ रही है, महाराज मेरे बस से बाहर है, मैं अब और बरस नहीं सकता। इंद्र बोले कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं और हम देखेंगे जा करके कि वृंदावन पर कौन ऐसी शक्ति है जो वृंदावन वासियों की रक्षा कर रही है। इंद्र चले, वहीं पहुंचे जहां भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए थे। इंद्र नहीं समझ पाया कि ये भगवान है या कोई साधारण बालक है। तो इंद्र में भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगा। परीक्षित महाराज जब युद्ध हुआ तो अब भगवान तो भगवान है, उनके सामने किसकी प्यास जाएगी। तो भगवान ने जब इंद्र से युद्ध किया तो इंद्र भगवान से हार गया, और जब इंद्र भगवान से हारा
सोई भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप नारायणी रूप इंद्र को दिखाया। सोई महाराज इंद्र चरणों में गिर पड़ा, जवाब दिया प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। इंद्र क्षमा मांग करके चला गया, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और क्षमा के साथ साथ इंद्र का घमंड भी दूर हो गया। महाराज इंद्र चले गए, सातवें दिन भगवान ने गिरिराज पर्वत वहीं रखा और रख करके महाराज स्वयं गए और जा करके वृंदावन में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उसकी पूजा करवाई और भगवान ने ये लीला पूरी की। बोले गोविंद भगवान की, बोले गोवर्धन महाराज की। इधर महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में रह रहे हैं। भगवान ने गोपियों के साथ में अनेकों लीलाएं की। एक बार गोपियों ने भगवान कन्हैया से कहा, कन्हैया तुमने मुझसे कही थी कि तुम एक बार मेरे साथ में महाराज करोगे। एक बार गोपियों ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु आपने हमसे कहा था कि आप मेरे साथ महाराज करोगे, तो अब आप मेरे साथ महाराज कब करोगे? भगवान बोले चिंता ना करो, सही समय जब आएगा तब हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। तो आज महाराज गोपियां बोली, प्रभु सही समय कब आएगा? भगवान बोले जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। उसी समय गोपियों को धैर्य धारण करवाया तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को बुला करके आदेश दिया, योग माया चली जाओ और जा करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह का निर्माण कर दो, क्योंकि मैं गोपियों के साथ में महाराज करूंगा। भगवान बोले कि यमुना किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, सखियों के साथ अभी खेले बच्चों फल होए बच्चों। भगवान कन्हैया बोले चली जाओ, जा करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं गोपियों के साथ महाराज करूंगा। योग माया चली, सोने सी रात माया यमुना पे आई है, एक जगह सुंदर सी सोचे हम मन में करे कृष्ण हुकुम भले होए मदीना। भगवान कन्हैया ने कहा योग माया चली जाओ, यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। उसी समय महाराज योग माया चली, यमुना के किनारे पहुंची, सुंदर सी जगह का निर्माण किया। अब योग माया भगवान के पास में आई, बोली प्रभु आपके कहने के अनुसार मैंने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बना दी, अब आप जाओ और जाकर के गोपियों के साथ महाराज करो। तो भगवान बोले अब हम देखते हैं कि जगह बनी कैसी है। तो भगवान ने बंसी ली, यमुना किनारे पहुंचे, जगह जब देखी मन प्रसन्न हो गया। भगवान ने बंसी बजाई और जो बंसी बजाई तो रात का समय था। अब गोपियों तो जायसो बैठी थी कि कन्हैया कब हमें बुलाए यमुना के किनारे। सो जो भगवान ने बंसी बजाई सो बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी महाराज, और जो गोपियों के कानों में बंसी की धुन पड़ी सो गोपियों सुधबुद भूल गई परीक्षित महाराज। उल्टे सीधे श्रृंगार करे, उल्टे सीधे वस्त्र पहने, जो नाक में पहनने वालो सो कान में पहन लो, जो कान में पहनने वालो सो नाक में पहन लो। महाराज उल्टे सीधे श्रृंगार करके बाहर खड़ी हुई गोपियां, उनके उनके पति ने पूछी रात को हमें छोड़ के कहां जा रही हो? लड़कियां बोली आज न रोको, आज तुम जा रहे हो, आज ब्रह्मा जी उतरे हैं, उन्हें क्यों नहीं मानी? तो भैया पति सब ठाड़े ठाड़े देखत रहे, गोपियां बाग खड़ी हुई। अब महाराज ध्यान रखना, चलो एक तू अच्छा एक बात बताएं माताओं, ये माताओं की खास आदत होती है दादा, कि जब जब माताएं कहूं जाए, चाहे शादी ब्याह में जाए, चाहे जे भागवत सुनन जाए,
बच्चे को बुलावे में जाए लेकिन जे अकेली नहीं जाती है कादी गुइयन के संगे लगी रहती है। हाँ जब बिना गुइयन के संगे नहीं जाती गाती हो बिना चलो फलाने घरे बुलवा है चलो करिए चले तो सब इकट्ठी इकट्ठी जाती महाराज। तो आज ध्यान रखना इकट्ठी इकट्ठी हाँ इकट्ठे ही जाते हैं सभी लोग साथ साथ। गोपियां महाराज बाग खड़ी हुई एक दूसरे से कहने लगी बहनों सुनो हम तो रात में अपने घर को दरवाजे लगे वो भूली है और बाग खड़े आए बहन हमने तो जोन ही नहीं क्या घर परिवार में बच्चा वाली बच्चा क्या कर रहे हम तो सब छोड़ के बाजे आए। मेरे पति ने रोको सास ने रोको लेकिन मैंने कहा कि नहीं सुनी हमारा गोपियां सुनो बहन क्या दरवाजा खोला छोड़ी हुई और अपन सीखे मारे भूल गए तुम्हें नहीं पता है रात मेरी सांस ले ले हम मोरो को सुनो आज मेरी सांस ले ले हम मोरो को फिर मैंने क्या करा तुम्हें पता है मैं उनको मनाई उनको मनाई आई बन सीखे मारे दरवाजा खुला छोड़ी आई बन सीखे मारे और ये 50 रुपए कलेक्टर अड़ू पड़ोस है 50 रुपए ब्रजेश की बुआ 100 रुपए रवीना ब्रजेश की मौसी 10 रुपए अच्छी अच्छी और खुशबू अच्छी खुशबू क्या बात है और 100 रुपए चरण सिंह जेड़ 50 रुपए रमन पाल परीक्षक 50 रुपए हरिश्चंद यज्ञपति 50 रुपए ठाकुर अमित प्रताप सिंह फूल मंडी दशहरा 50 रुपए अनिल यादव रुद्रपुर से बीडीसी सदस्य की तरफ से आए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज आज गोपियां भाग खड़ी हुई भागते भागते यमुना के किनारे पहुंची भगवान कन्हैया ने गोपियों को देखा बोली आ गई गोपियां बोली आ गए। अब भगवान बोले भाई तो गई हो सुनो रात रात में तुम अपने अपने घर परिवार को छोड़ के आई अपने अपने बच्चन को छोड़ आई पति को छोड़ आई सो करो अब तुम लौट जाओ मेरे महाराज करवे को मन नहीं है। जो गोपियों से इतने वचन गई गोपियां बोली अच्छा तो तुमने हमें पागल समझ रखो का क्या तुम हमें जब बुला तब हम दौड़े दौड़े चले आए और जब तुम घरे भेजो तो हम घरे चले जाओ कन्हैया महाराज करवे काजे आए हैं तो महाराज करके ही वापस जाएंगे हम किसी की मानेंगे नहीं। एक गोपी बोली सुनो कन्हैया में ना आऊंगी अरे घर को ना जाऊंगी तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी करना है महाराज सखियां यो बतिलाए करना है महाराज सखियां यो हो जाए महाराज करके ही घर लौटेंगे तुम्हारी बातों में मोएंगे नहीं तुम्हारे छल में हम फंसेंगे नहीं। सुनो छल में ना आऊंगी घर को ना जाऊंगी तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी करना है महाराज सखिया यो बतिलानी
समझ